कुत्ता नियर मुंह ले लेके उछल उछल के भौंक रही है, भौंक रहा है, जो दो चार को हरामी टाइप के लोग को हम देख रहे हैं, तूने एक चेहरा चमकावे काम करा नहीं। हम तो कही 180 दिन गिनना शुरू कर दे बाबू, कुर्सी के पेटी बांध लिए का अगला सीएम मनीष कश्यप होए वाला हो। क्या बोले अगला सीएम मनीष? हाँ, तमाम भटियारा भटियारों को हम समीर चौधरी बोल दे रहे हैं, दोगला दोगली लोग को, कि अगर तोरा अंदर जरा हिम्मत हो और जरा तोहर माई दूध पिलाल के हुए तो एक बार समीर चौधरी से टकरा ले, टेलेंगे इतना कस के ना कि अरे भाई मनीष कश्यप एक बिहार का बेटा है और आप भले बिहारी नहीं हो, भले तू जिहादी के जन्मल हो इसलिए तुम विरोध कर रहे हो, आज तक सब समीरे चौधरी बन जाओगे? टैलेंट से आदमी चमकता है, इसे नहीं चमकता है। अरे हमरे अंदर वो आवाज है, हमरे अंदर वो बात में दम है, तो लोग सुनता है हमको। तोरा कोई सुन रहा है? हटे कहते एनएसए हट ही गया है, जगरा हटा है, एनएसए नहीं हटा भाई। हम कह रहे हैं एनएसए हट गया तो हट गया, एनएसए का पूरा बताइए कि एनएसए कितने साल का होता है, बताइए। बोली नहीं निकल रहा था, वही तो अब पूछ रहा है कि बोलिए ना कुछ। हम बोले मैंने बोली निकले तब ना बोलेंगे भाई कि ये आदमी ना तो नेता है ना नेता का बेटा है। अगर इस आदमी को अगर सीएम पद उम्मीदवार अगर खड़ा कर दिया जाए, समझ रहे हैं, साला पूरा देश गजब हो जाएगा। यहाँ तक कि जितना गरीब है, जितना भी आपका लेबर मजदूर है, सबके लिए निःशुल्क ट्रेन चलेगा, निःशुल्क। हाँ, सबको सिर्फ लाया जाएगा, भेजा कोई के नहीं जाएगा। हमारे ये भाई लोग जो पत्रकार, असली पत्रकार एकरा माने हो, हाँ, ये लोग क्या करता है भैया कि मैंने कहीं भी जाएगा, बेधड़क के घुस जाएगा, बिना जाके सवाल जवाब करेगा, सच्चाई दिखाने काम करते हो। जब ये लोग अभी सरकार कौन है, नीतीश कुमार है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दारू खोलवा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों अभी मेरे साथ है एक्टर समीर चौधरी। जैसा कि आपको पता होगा, आज से दो दिन पहले मनीष कश्यप जब बिहार आए थे तो इनका जो एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जो कि सिविल कोर्ट के पास का था। इन्होंने मिठाई खा रखा था और इनका वीडियो वायरल हो गया। क्या आपको बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर ना तो एनएसए हटा है ना ही वो जेल से बाहर आए, तो इतनी खुशी क्यों? देखिए, सबसे पहले तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करेंगे। और जो चुलबाज है, चुलबजनी है, जेकरा लग रहा है मनीष कश्यप ओकरा साथ पकड़ लिया है या जेकरा लग रहा है ओकर माई के गाली दे दिया है, वो आज भी विरोध कर रहा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कटुआ झटुआ ही सबको कि अरे भाई मनीष कश्यप एक बिहार का बेटा है और आप भले बिहारी नहीं हो, भले तू जिहादी के जन्मल हो इसलिए तुम विरोध कर रहे हो आज तक। मतलब वो जब रो रहा था, आप देखे होंगे कि कैसे कोर्ट के बाहर रो रहे हैं ना, शर्म करो यार, शर्म करो। उनको सजा मिल चुका है, जो गलती उन्होंने किया, जिस तरह घमंड अगर उनके अंदर अगर लगा था कि आ रहा है, सब सजा मिल गया उनको। और रहा बात एनएसए हटे कहते, एनएसए हट ही गया है, जगरा हटा, एनएसए नहीं हटा अभी। भाई हम कह रहे हैं एनएसए हट गया तो हट गया, एनएसए का पूरा बताइए कि एनएसए कितने साल का होता है, बताइए। एक साल नॉर्मली होता है, एक साल होता है, तीन महीना पर उसका कुछ होता है, नियम कानून है उसका। तीन महीना हो गए? तीन महीना तो लगतम हुआ है। कहाँ हो गए? अप्रैल में गया था ना। अरे अभी महीना, अभी लगाओ कि 90 दिन हुआ है, ठीक है ना, 90 ही दिन हुआ है और वो तमिल से बिहार वापस आ गए हैं। हाँ, तो बस उन लोग को ये बता दीजिए, जिसको लग रहा है कि एनएसए नहीं हटा है, या जो कुत्ता नियर मुंह ले लेके उछल उछल के भौंक रही है, भौंक रहा है, जो दो चार को हरामी टाइप के लोग को हम देख रहे हैं, तूने एक चेहरा चमकावे काम करा नहीं, देखा कि अब तूने से कुछ नहीं उखड़ रहा है, जब देखे कि मुंह कान भगवान ने बनिया दिया है तब आ रहा है चेहरा चमकाने के लिए। सब समीरे चौधरी बन जाओगे? टैलेंट से आदमी चमकता है, इसे नहीं चमकता है। अरे हमरे अंदर वो आवाज़ है, हमरे अंदर वो बात में दम है, तो लोग सुनता है हमको। तोरा कोई सुन रहा है? आप सिविल कोर्ट के पास इतना ज्यादा मिठाई खा लिए थे कि आप बोल भी नहीं पा रहे थे। अरे का बताए भाई, जैसे हम वहाँ गए सब हमारा मुंह में मिठाई कोद दिया, लड्डू भी कोद दिया, मुँह के बोली नहीं निकल रहा था। वही तो अब पूछ रहा है कि बोलिए ना कुछ। हम बोले मैंने बोली निकले तब ना बोलेंगे भाई। चाशनी मुँह से गिर रहा, बोरा चाशनी था, बोली चाशनी तमाम उन विरोधियों के मुँह पे थूक रहे थे समीर चौधरी। ये लगे कि जिसको लग रहा है कि आज तक मनीष कश्यप गलत है, तो भैया ओकरा मुंह पे चाशनी ही थूकेंगे, बढ़िया है। मनीष कश्यप के ऊपर तो आप हमेशा विरोध करते रहे, आज आपको सपोर्ट देकर के लोग भी सरप्राइज हो रहे हैं कि आखिर वही समीर चौधरी है ना जो लगातार उनके विरोध करते आ रहे थे। बात ऐसा नहीं है, विरोध हम पहले ही बोले और आज भी बोले, विरोध हम उनकी भाषा का करते थे। मनीष कश्यप के ना तो हम कोई माई की गाली दी है, ना कभी ओकरा हम जाति धर्म को गाली दी है। मनीष कश्यप का जो भाषा था उसका विरोध समीर चौधरी था और करता था। के डेट में उनको सजा मिल गया, मान ले तू बिहारी है, तू थोड़ा सा गलती कर दे, अब तोरा कोई लपर थप्पर कर कहो, तू रोवे धोवे लग ले तो फिर माफ करना काम है कि नहीं है, बोलो। आए, हम बिहारी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग का दिल जो होला पोलाइटली होता है। अब हमारा सामने अगर कोई जिहादी का गर्दन भी काटा जाएगा ना, आतंकवादी भी है, समीर चौधरी उसको बचा लेगा। कहीं ना कहीं सरकार को मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाना महंगा पड़ गया ना। मैं ना कर, हम तो एनएसए मान भी नहीं करे, एनएसए फेन एस नौटंकी हुई, एनएसए का मने साला एक आध दो साल आदमी हिलता नहीं, यह 90 दिन में आदमी हिल गया। वही तो एनएसए थोड़ी है, इसी तरह का एनएसए एक बार लगा था आपका
क्या रावण है, चंद्रशेखर राणा नाम है आजाद, उनके ऊपर भी लगाया गया था, तो उनके ऊपर लगाया सरकार, ये बोलते हुए फिर ले लिया कि गलती से एनएसए लग गया, हम हटा देते हैं एनएसए, मतलब एनएसए हो गलो नौटंकी बिना मतलब के। हम तो कही 180 दिन गिनना शुरू कर दे बाबू, कुर्सी के पेटी बांध लिए, कहा अगला सीएम मनीष कश्यप होए वाला हो। क्या बोले अगला सीएम मनीष? हाँ, अरे भाई मेरा, अच्छा अच्छा नेता ही यहाँ फट जाता है, गाने में भीड़ लगाता है ना, तो पूरी बुंदिया पे बुलाता है आदमी, फ्री में यहाँ आदमी क्या है, और तो और बढ़िया बढ़िया नेता विधायक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, 500 रुपये देता है, तब मीडिया नहीं जुटता है, या फ्री में मीडिया जुट गया। तो बस देख लीजिए कि ये आदमी ना तो नेता है ना नेता का बेटा है। अगर इस आदमी को अगर सीएम पद उम्मीदवार अगर खड़ा कर दिया जाए, समझ रहे हैं, साला पूरा देश गजब हो जाएगा। जितना बीएमडब्ल्यू फरारी चल रहा है ना, सब टैक्सी में चलेगा। अब बड़े बनावे का टैक्सी इसका एगो है, बड़े मिस्त्री पटना में रहता है, समझा कि नहीं? और तो और बता दे रहे हैं, अरे यहाँ तक कि जितना गरीब है, जितना भी आपका लेबर मजदूर है, सबके लिए निःशुल्क ट्रेन चलेगा, निःशुल्क। हाँ, सबको सिर्फ लाया जाएगा, भेजा कोई के नहीं जाएगा। तमिल कहाँ कहाँ, बांग्लादेश बांग्लादेश, कलकत्ता दिल्ली, सबसे सब मजदूर को बुला लिया जाएगा यहाँ पे, और जितने फैक्ट्री बंद है सबको खोला जाएगा और दो चार को फैक्ट्री बैठाया जाएगा। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो? हमारा बने में तो हम सब अमीर के गरीब बना दूंगा भैया। अमीर को गरीब बना दीजिएगा? सब अमीर के गरीब बना देंगे। अब बड़े जैसे जैसे दो चार को जो मिस्त्री उस्त्री है, सब के इंजीनियर बना देंगे हम। हाँ, ये सब के इंजीनियर बना देंगे, ऐसी ही डिग्री दे देंगे। अरे भैया, जो भर दिन में 20 गाड़ी खोल के बना रहा है, जो भर दिन में 20 आदमी लोग को देख रहा है, तो वो आदमी ने जानकार है यार। हाँ, 4 किताबी नॉलेज पढ़ ले ली तो अपने आपके बनी थी बहुत बड़का विधायक एमएलए के। हाँ, बक सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप को 8 का टाइम दिया गया, यानी कि 2 का टाइम दिया गया है, कि मतलब 2 के अंदर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आ सकते कौची आबे वाला हाथ ला। समीर चौधरी दिल्ली गया था, पता है कि नहीं? अभी हाल में दिल्ली गेलो, बीजेपी कार्यालय मोदी जी के लेटर दे लियो कि मोदी जी आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटी के साथ कार करो, बेटी के साथ मजा उड़ाओ, गड्ढा में दफनाओ, ये ना हो रहा है जिस प्रकार बेगूसराय में हुआ है। आए तो मतलब यहाँ पे महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारे ये भाई लोग जो पत्रकार, असली पत्रकार एकरा माने हो, हाँ, ये लोग क्या करता है भैया कि मैंने कहीं भी जाएगा बेधड़क के घुस जाएगा, बिना जाके सवाल जवाब करेगा, सच्चाई दिखाने काम करते हो जब ये लोग। तो ये सब पे सरकार से हमने बोला कि कृपया जांच कीजिए, और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोदी जी देखिए, अन्ना तो भैया अगला फेड़ा हो गल बतोड़ो अबड़ी। हाँ, क्या लगता है तेजस्वी का सरकार जाने वाला है? देखिए तेजस्वी तो सरकार में है ये नहीं ना, है मुख्यमंत्री है ना जी भाई, तब मुख्यमंत्री ने बात करिए। अब तो बाबू है, चाचा के बारे में बात करोगे, बाबू के ने बारे में बतियाओगे, बाबू कौन है? चाचा भतीजा मिलकर तो सरकार चला रहे। हमारा का नाम है कि अभी सरकार कौन है? नीतीश कुमार है। कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, दारू खोलवा दीजिए, तब जाके तनी लोग के समझ में आवेगा कि वोट किसको देना है, नहीं तो अभी तो भैया आपको दम इतना कस के टेलेगा ना। कहीं ना कहीं एक तमाशा बन गया है ना, जो मतलब जो 1 का होता है 3 में मनीष कश्यप बिहार आ जाते हैं, ये भी खबर आ रही है कि 2 में बाहर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए जो मनीष कश्यप के चाहने वाले उनके लिए खुशखबरी है भाई। ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है, गेम में पूरा मैंने यहाँ का राजनीतिक तो छिछा लेदर हो ले, हेलो, अब यहाँ का देख लीजिए भैया प्रशासनिक कानूनी व्यवस्था का भी छिछा लेदर कर दिल को। मैंने एनएसए लगता है आदमी 90 में आ जाता है, सरकार चुप्पी ठानी हुई है, मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़का झोल चल रहा है। झोल को झाड़ने के लिए नया सीएम चाहिए, नया सीएम कौन रहेगा भैया? कोई नेता विधायक नहीं, एक आम आदमी, एक आम आदमी को आप लोग बनाइए, नहीं तो तमाम जनता से हाथ जोड़ के बोले वोटे मत दीजिएगा अभी आप लोग। ओके, तमाम जनता के बोल रहे, तमाम बिहार के वासियों को समीर चौधरी खुला आम बोल रहा। मनीष कश्यप का मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मामला आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मामला उमला कुछ है ना, है सब झोल झाल करी थो अपने में, समझा कि नहीं? बड़का झोल झाड़ने के लिए अगला इलेक्शन जो भी आ रहा है, या तो आप लोग वोट देवे मत कीजिए, अगर दीजिए तो किसी आम आदमी को दीजिए जो कि ना तो नेता है ना कोनो नेता का बेटा है, क्योंकि नेताओं का मनसा अलग होता है। वो वोट लेला के बाद वो सोचेगा कि अब एक किडनी काट ले, कि एक खून निकाल ले, कि एक जोरू हथिया ले, कि एक जमीन हथिया ले, नेताओं का मनसा है, समीर चौधरी बोल रहा, क्योंकि हर नेता ये सोच के वोट मांगता है कि हम जितना आज हाथ जोड़ी थी उतने हाथ काटबू बाबू, आ काट भी लेता है। कहाँ रोजगार कहाँ मिले, तो बिना मतलब के ना तुम लोग माइक ले लिया। ये बच्चा देखो बीए पास है, ये बोल रहा है कि भैया हम कितना बार दर बदर भटक रहे हैं, नहीं मिल रहा, बाद में क्या कर रहा भैया, तो एक आराम चाय के दुकान खोलेंगे। अब यही सब चलेगा बिहार में। अच्छा, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप का, बोलते हैं कि नहीं अभी मनीष कश्यप नहीं आने वाले हैं, 2-3 रहेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मतलब लोग बोल रहे हैं। उन तमाम भटियारा भटियारों को हम समीर चौधरी बोल दे रहे हैं, दोगला दोगली लोग को, कि अगर तोरा अंदर जरा हिम्मत हो और जरा तोहर माए दूध पिलाल को हुए, तो एक बार समीर चौधरी से टकरा ले, टेलेंगे इतना कस के ना करके पैदा हो गया अगला साल, समझा कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी मेरे साथ एक्टर समीर चौधरी थे, उन्होंने मनीष कश्यप को लेकर के पूरा समर्थन दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो बिहार आए हैं और उनका कहना है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।